आज का मेरा विषय है भल्ला तक, जिसका प्रयोग हम बहुत सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में करते हैं और जो एक बहुत अच्छी अचूक औषधि है। भल्ला तक को उपविष माना गया है, इसलिए इसको जब भी हम आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं तो इसका शोधन किया जाता है। बिना शोधन के इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि बिना शोधन के ये कार्डियो टॉक्सिक भी है और न्यूरोटॉक्सिक भी है। इन प्रभावों को हम इसके शोधन करके कम कर देते हैं, और कम करने पर फिर यह है जिस प्रकार विष की मात्रा अगर सूक्ष्म है तो वो मेडिसिन के रूप में काम करता है, और मेडिसिन की मात्रा अगर थेरेप्यूटिक डोज से ज़्यादा है तो वो विष के समान काम करती है। इसलिए भल्ला तक के विषय में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। भल्ला तक के जो पेड़ हैं वो 30-40 फीट ऊंचे होते हैं, और इसके जो फल हैं जो कि काजू की भांति होते हैं, जो कि 1.5-2 सेंटीमीटर के करीब उनकी लंबाई होती है। इसका प्रयोग हम बहुत से बीमारियों में, जैसे कि आम जो बनता है भोजन खा करने के बाद उसको ये नष्ट करती है, और इसका जो है चरक में इसको दीपन, पाचन, भेदन और इसका कुष्ठघन और मूत्रल इसको माना गया है। इसके अतिरिक्त इसका जो रस है वो कटु, तिक्त और कसाए, और इसका गुण लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध, वीर्य उष्ण और विपाक मधुर होता है। इस प्रकार इसका प्रयोग बहुत सी बीमारियों में, जैसे कफ कोल्ड के अंदर, इन्फ्लुएंजा के अंदर, बुखार के अंदर, टाइफाइड के अंदर इसका विशेष प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा निमोनिया में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि भल्ला तक जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल भी होता है। इसके अतिरिक्त यह एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, अर्थात ज्वरनाशक भी है, और जैसे कि ये कफ को निकालने वाला भी है, कफ शामक भी है। इस प्रकार इसके अद्भुत प्रयोग हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है इसका, इसकी डिटेल रिसर्च कई जगह हुई है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो इसके अंदर विशेष तौर से कुछ विशेष प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनको हम जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। इसके अंदर विशेष तौर से जो है एक तो कैटेकोल, जो कि फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और कैटेकोल का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैटेकोल जो है यह एंटी ट्यूमर और एंटी जो है कैंसर सेल्स पे काम करता है, अर्थात भल्ला तक का जो अगर हम शुद्ध करके प्रयोग करें तो कैंसर के ट्यूमर जैसी ग्रोथ को रोकता है और लीवर प्रोटेक्टिव है। किस प्रकार से है, इसके अंदर पाया जाने वाला जो एल्कलॉइड है कैटेकोल, वो जो है एक अद्भुत प्रकार से काम करता है। जैसे कि कैटेकोल का मुख्य काम जो क्या है, जब कैंसर सेल्स बॉडी में ग्रो करते हैं तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार के ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर होते हैं, जो कैंसर सेल्स की या ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को करवाते रहते हैं बॉडी के अंदर। यह विशेष प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड कैटेकोल उन ट्रांसक्रिप्टर जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कैंसर या ट्यूमर सेल के अंदर एक विशेष प्रकार का GI फेस ग्रोथ फैक्टर होता है, GI फेस, जो कि ट्यूमर सेल की या कैंसर सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये फिनोलिक कंपाउंड जो भल्ला तक के अंदर पाया जाता है, जिसे कैटेकोल कहते हैं, वह GI फेस को इस क्या नाम लेवल को, इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो कैंसर सेल हैं और ट्यूमर सेल हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, अर्थात उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अतिरिक्त कैंसर और ट्यूमर सेल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको CMYC और ERK2 ये दो प्रकार के पाथवे को यह ब्लॉक कर देता है, अर्थात भल्ला तक के अंदर पाए जाने वाले कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स कैंसर और ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं ये मैंने आपको बताया कि भल्ला तक के अंदर फिनोलिक कंपाउंड जिसे कैटेकोल कहते हैं, कैटेकोल वह जो है ERK2 और CMYC इन दो प्रकार के पाथवेज को, जो के कैंसर और ट्यूमर सेल्स में पाए जाते हैं, उनको रोक देता है। ये पाथवे क्या है, ERK2 क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटरी काइनेज प्रोटीन, क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल
रेगुलेटरी पाथवे, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर से इसको एक सिग्नल मिलता है कि प्रोलिफरेशन का ग्रो करता है, जिसकी वजह से इस पाथवे को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर और ट्यूमर सेल्स की प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाती। अर्थात यह जो है कैंसर और ट्यूमर सेल्स को रोकता है। इसके अतिरिक्त एक CMYC, इसको भी ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, जो कि कैंसर सेल और ट्यूमर सेल्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इस CMYC पाथवे को भी ये फिनोलिक कंपाउंड्स जो भल्लातक में पाए जाते हैं ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ नहीं होती। इसके अतिरिक्त बैक्स बैक मैकेनिज्म, बैक मैकेनिज्म को भी ये क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अर्थात जब किसी कैंसर के रोगी को या ट्यूमर सेल्स जिसके अंदर बने हों, ऐसे रोगियों को जब हम भल्लातक के योग या भल्लातक के ड्रग का इस्तेमाल उन पे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैक्स प्रोटीन को एक्टिव कर देता है। और बैक्स प्रोटीन जो ट्यूमर सेल्स के अंदर पाई जाती है, वो एक्टिव होकर के उस वॉल से, ट्यूमर सेल की मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है सेल की, और अलग होकर के बैक प्रोटीन से मिल करके माइटोकॉन्ड्रिया जो कैंसर सेल के अंदर थे उसके अंदर पोर्स पैदा कर देती है, छिद्र बना देती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले कैस्पेस एंजाइम जो के साइटोक्रोम सी कहते हैं, वो उन छिद्रों से बाहर आने लगते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन खत्म होने लगता है, और वो बाहर आकर के साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अर्थात सेल के सारे रेगुलेटरी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और सेल के अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाती है। एपोप्टोसिस मीन्स सेल डेथ। और इसको कौन डिसाइड करता है कि सेल की डेथ हो जानी चाहिए, सिस्टम खराब हो गया, इसको सेंसर करती हैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको BCL2 प्रोटीन्स कहते हैं। BCL प्रोटीन्स सेल की डेथ डिसाइड करके एपोप्टोसिस इंड्यूस करके उन सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। इस प्रकार इस एपोप्टिक इंड्यूसर भी हम इसको कह सकते हैं। इसलिए भल्लातक के प्रयोग से कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है या उनकी डेथ हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो ये फिनोलिक कंपाउंड है जिसको हम कैटेकोल कहते हैं, यह लीवर सेल डैमेज के अंदर भी लीवर सेल्स की रिपेयर करता है, लीवर सेल्स की रीजनरेशन करता है और हेपेटोटॉक्सिक प्रभाव को ख़त्म करता है जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण हो जाते हैं। यह भी क्या करता है, लीवर सेल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर लिपिड पेरोक्सीडेशन का प्रोसेस जो कि फ्री रेडिकल्स जिसको एक्टिव कर देते हैं, इनिशिएट करते हैं, लिपिड पेरोक्सीडेशन की वजह से लीवर सेल्स टूटने लगते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को, लिपिड पेरोक्सीडेशन को ये डिक्रीज कर देता है या रोक देता है, जिससे लीवर सेल्स की डैमेज आगे से नहीं हो पाती और जो हो जाती है उसको ये रीजनरेट करके उनको वहाँ से ख़त्म करके नए सेल्स वहाँ पर बन जाते हैं। इस प्रकार लीवर की रक्षा करते हैं और बाइल की सक्रीशन भी लीवर से इसके कारण ये कराने में सक्षम है, अर्थात लीवर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इस प्रकार ये लीवर प्रोटेक्टिव या हिपेटोप्रोटेक्टिव भी है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर एक फ्लेविनोइड्स पाए जाते हैं। यह फ्लेविनोइड्स का मेन काम क्या है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करते हैं। ये फ्लेविनोइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करते हैं, अर्थात COX-1 और COX-2 और LOX ग्रुप के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं या उनकी सेक्रीशन को रोक देते हैं। इनके रोकने से क्या है, एंटी एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन ये करते हैं, जिसके कारण कफ, कोल्ड, फ्लू, सरदर्द, बदन में दर्द, जिस प्रकार के हम कई बार पैरासीटामोल, एस्प्रिन या आप कह लीजिए कि ये ब्रूफन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इन गोलियों के तरह ही यह भी काम करते हैं। यह भी गुण इसके अंदर पाया जाता है। इसी गुण के कारण यह अस्थमा के अंदर भी लाभदायक है। अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में और कफ को पतला करके, म्यूकोलाइटिक एक्शन है इसका, उसको तोड़ करके, उसके गाढ़ेपन को कम करके, पतला करके शरीर से बाहर निकालता है और अस्थमा के रोगियों में भी इससे लाभ मिलता है। इस प्रकार
इस प्रकार इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के कारण यह एंटी अर्थराइटिक या ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी लाभदायक है, क्योंकि उसके अंदर भी जो जो अंदर डैमेज होती है उसकी न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स उसको साइनोवियल फ्लूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते उनको, वो इसके प्रयोग से उनको साइनोवियल फ्लूड को अपने न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं और उसके अंदर जो है लचीलापन, अर्थात जैसे कि ग्रीस का प्रभाव हम कह सकते हैं, ऑयल का प्रभाव कह सकते हैं, वो उनको मिलता है और जो बोन्स हैं वो आपस में आर्टिकुलेट करके उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती। और यहाँ तक कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सूजन आती है या जोड़ों की सूजन है उसको भी ये दूर करता है। इस प्रकार इसका प्रयोग हम इनमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर भिलावानोल्स एक विशेष प्रकार के तत्व और पाए जाते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्शन करते हैं। भिलावानोल का इफेक्ट ये देखा गया है रिसर्च में, जो रिसर्च दूसरे देशों में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हुई है, कि उनके अनुसार यह टाइफाइड जैसे, विसूचिका, हैजे के, इन सब कीटाणुओं को या निमोनिया के कीटाणुओं को पैदा नहीं होने देता या उनकी पैदाइश को रोकता है, अर्थात बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है। तो इस प्रकार इसका इससे बने हुए योगों का हम इस्तेमाल टाइफाइड ज्वर में भी कर सकते हैं, विसूचिका में भी कर सकते हैं, इन रोगों में भी इसके बने हुए जो योग हैं आयुर्वेद के अंदर उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके अलावा यह शोधक भी है। शोधक क्यों है? क्योंकि टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है। स्किन रोगों के अंदर भी इसका विशेष योगदान है, जैसे कि क्योंकि इसके अंदर कुछ विषैले पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि कई बार अगर हम इसका बिना शोधन किए इसके फल को ले लें और उसका ऑयल निकाल लें तो अगर वो स्किन के ऊपर उसका स्पर्श हो जाए तो उसे फफोले पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन अगर शोधित अवस्था में उसको लेंगे तो यह स्किन के रोगों को भी दूर करेगा। तो और कुष्ठ घन भी इसको माना गया है। इसके अतिरिक्त यह भेदक भी है, लैक्सेटिव एक्शन भी इसके अंदर पाया गया है, लैक्सेटिव एक्शन और अल्सर हीलिंग भी ये करता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत गुण इसके अंदर आपने जैसे मैंने बताया हैं। इसके अतिरिक्त यह उष्ण वीर्य होने के कारण गर्भाशय शोधन का काम भी करता है, अर्थात स्त्रियों में, महिलाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और पुरुषों में स्पर्म काउंट को यह बढ़ाती है और स्पर्म्स को एक्टिव टाइप के, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स में बदलती है, अर्थात यह स्त्री और पुरुषों में दोनों में भी लाभदायक है और बंध्यत्व के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यह इसके अंदर पेट के कीड़ों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, पेट के कीड़ों को भी यह मारता है। इसके अलावा इसके अंदर विशेष जो गुण है वो है न्यूरोप्रोटेक्टिव। न्यूरोप्रोटेक्टिव में क्या है, इसके अंदर कुछ इस जो है एक विशेष प्रकार के कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, और ये जो भल्लातक है ये एंटी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर है। इस एंजाइम को रोकने से यह जो दिमाग की नर्व्स हैं उनको बल्य प्रदान करता है और नर्व्स के अंदर जो डिफॉर्मिटी आ जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, उसको दूर करता है और दिमाग के अंदर ये चीज आके रोगी को बहुत शांति मिलती है और उसके अंदर जो टाउ प्रोटीन वगैरह हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो विकृतियाँ हैं जो नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज में, पार्किंसन रोग में, उनमें भी ये लाभ प्रदान करता है और नर्व्स को बलता प्रदान करता है। नर्व्स के लिए बल्य है, अर्थात नाड़ी द्रोह बल्य में भी इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसका बहुत सी बीमारियों के बारे में हमने जैसे बातचीत की, यह जो है आशु फलकारी आशु है क्योंकि इसका तीक्ष्ण होने के कारण विष तुल्य इसके गुण है, लेकिन जब इसको हम शोधित करके जब इस्तेमाल करते हैं तो अमृत की भांति इसका जो है प्रयोग हमारे शरीर में रोगों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो ये इसके अलावा इसकी मात्रा के बारे में, जो चिकित्सक की देखरेख में इसकी मात्रा के बारे में आप डिस्कशन करें, परामर्श के अनुसार इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यह विष उपविष है, इसका प्रयोग देखभाल करके और चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। तो मेरा आज इतना ही, लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के छात्र और आयुर्वेद के अध्यापकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो हर द्रव्य को, हर ड्रग को
जो आयुर्वेद में दिखाई गई हैं, आयुर्वेद के हमारे ग्रंथों में बताई गई है, चरक संहिता में बताया गया है, सुश्रुत में बताया गया है, भाव प्रकाश में बताया गया है, इन सब में, इन सब के अंदर इसको पढ़ें, पढ़ करके आयुर्वेदिक कंसेप्ट के साथ साथ जो रिसर्चेज आज हम कहते हैं कि आयुर्वेद में जी रिसर्च नहीं है क्योंकि सरकार का हमें साथ नहीं था, लेकिन दूसरी संस्थाएं जो हैं जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं या दूसरे देशों में भी इन द्रव्यों के ऊपर इनके गुणों को देख करके बहुत रिसर्च हुई भी है, उन्हीं के ऊपर जो मैंने उस उन्हीं को कलेक्ट करके आपको कुछ बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको लाभ होगा और उन सारी जितनी भी इन इसमें आज तक जो अनुसंधान हुए हैं उनको आप इकट्ठा करें और इकट्ठा करके आयुर्वेद को साथ मिला करके इन सब को BAMS के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करें और खुद भी इस ज्ञान को अर्जित करें, तभी आयुर्वेद का विकास और संभव होगा और हम सब लोगों को जो परमेश्वर की तरफ से जो जिम्मेवारी मिली है आयुर्वेदिक सिस्टम को उजागर करने की और लोगों में प्रतिस्थापित करने की, तभी हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। इसलिए मेरा आयुर्वेद के सभी अध्यापकों से या प्रोफेसर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपने घर जा करके कॉलेज से जाने के बाद थोड़ा बहुत समय इस काम को जरूर दें, जो जिम्मेवारी ईश्वर ने भगवान धन्वंतरी की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उनको मिली है, उस जिम्मेवारी को जरूर निभाएं, थोड़ी निभाएं या ज़्यादा निभाएं, जरूर निभाएं, और जो भी विषय सुबह कॉलेज में जाकर के BAMS के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो विषय बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि हमें आज क्या पढ़ना है, अध्यापक को पता होना चाहिए मैंने आज क्या पढ़ाना है, तभी आयुर्वेद का विकास संभव है। अदरवाइज तो हम किताबों में ग्रंथों में छिपे रह जाएंगे, अगर हमने मेहनत ना की तब हम गौण रूप में ही रहेंगे, हम सिर्फ बातचीत में रहेंगे, इसीलिए हमारी बात को दुनिया नहीं मानेगी, हम अपने आप को अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे और हम किताबों तक ही महमूद रह होकर के लिमिटेशंस में रह के रह जाएंगे, हमारी ना जनता कदर करेगी ना लोग कदर करेंगे ना हमें खुद पर विश्वास होगा। इसलिए मेरा एक बार फिर मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद के साथ साथ जितनी रिसर्चेस दूसरी जगह हुई भी है, आजकल नेट के ऊपर बहुत चीज़ें हैं, गूगल पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत डिपार्टमेंट्स ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ने बहुत रिसर्च की है, कॉलेजेस ने बहुत रिसर्च की है, आप उनको कलेक्ट करें, लेकिन इन सबको करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको भी मेहनत करनी होगी और BAMS के स्टूडेंट्स को भी मेहनत करनी होगी। इसलिए आयुर्वेद के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आपके पैस को जरूर कुछ ना कुछ समय दें और दे करके इन चीज़ों को साइंटिफिक वे से भी और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी पढ़ करके ये ज्ञान बच्चों तक पहुँचाएँ। मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।